एपिसोड नंबर 145 145। मंत्रीवर सुमंत्र को अपने महल में आया देख श्री राम ने उन्हें पिता तुल्य आदर सम्मान दिया। सुमंत्र महाराज की आज्ञा सुना उन्हें अपने साथ ले चले। कोप भवन का दृश्य देख श्री राम स्तब्ध रह गए। राजा ऐसी दयनीय हालत में थे मानो वृद्ध अवश गजराज क्रुद्ध सिंघनी के सामने गिरा पड़ा हो। पास क्रोध की साक्षात प्रतिमा सी खड़ी कैकेयी। जीवन में पहली बार श्रीराम ने ऐसा दुख भरा करुण दृश्य देखा। शांत गंभीर मुद्रा में वे बोले, हे माता, पिताजी के दुख का कारण बताइए ताकि उसके निराकरण का उपाय किया जाए। कैकेयी ने बताया कि राजा के दुख का कारण स्वयं श्रीराम के प्रति उनका स्नेह है। वे मुझे दो वरदान देने को वचनबद्ध थे, मुझे जो जचा मैंने मांग लिया। बस वही सुनकर राजा सोच में पड़ गए। एक ओर है पुत्र स्नेह और दूसरी ओर वचन की मर्यादा। यदि तुम सको तो इनकी आज्ञा का पालन करके इनका संताप मिटाओ। कैकेयी ने, जो निष्ठुरता की प्रतिमूर्ति बन गई थी, बड़ी सहजता से ये सब कुछ कह दिया। रघुवंश मणि सारा वृत्तांत सुन मन ही मन मुस्काते हुए बोले, हे माता, वो पुत्र बड़ा बड़भागी होता है जो माता पिता की आज्ञा शिरोधार्य करता है। पिता की आज्ञा और आपकी सहमति पाकर वन गमन में मेरा कल्याण है। मेरे प्रिय भरत राज्य पाएंगे ये तो मेरा परम सौभाग्य है। जाई देख रघुवंश मणि नरपति निपट कुसाज सहमि परे लखी सिंघिनी मनहु वृद्ध गजराज। सुखहिया धर जरई सब अंगु मनहु दीन मनहीन भुवंगु सरुष समीप दीखि कैके मानहु नीच धरी गनि ले करुणा सुना न थाओ कदपि धीर धरि समहु विचारी पूछी मधुर वचन महतारी। मोहि कहु मातु तात दुख कारण करिय जतन जेहि होइ निवारण। सुनहु राम सब कारण हेहु पर बहुत स्नेह देन कहनी
कहीं तुम्हार सोच सुत सने हुईत बचन उत संकट परे उनरे सु सकहुत आय सुधरहु सिर मेटहु कठिन कलेसु निधरक बैठी कहई कटुबानी सुनत कठिन ताती अकुलानी जीभ कमान बचन सरनाना मनहु महिप मृदुलच समाना जन कठोर पनु धरे शरीरु सिखई धनुष विद्या वर वीरु सब प्रसंग रघुपति ही सुनाई बैठी मनहु तनु धरि निठुराई मन मुसुकाई भानु कुल भानु राम सहज आनंद निधानु बोले बचन विगत सब दूषण मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी जो पितु मातु बचन अनुरागी तनय मातु पितु तोष निहारा दुर्लभ जननी सकल संसारा मुनिगन मिलनु विशेषी बन सब ही भांति हित मोर तेहि महापितु आय सुबहुरी सम्मत जननी तोर भर तु प्राण प्रिय पावहि राजु विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजु जौन जाओ बन ऐसे हुकाजा प्रथम गनिय मोहि मूढ़ समाजा से वही अरंडु कल्पतरु त्यागी परिहरि अमृत लेहि विषु मागी तेउ न पाइयस समउ चुपाहि देखु बिचारि मातु मन मागी अम्ब एक दुखु मोहि बिसेखि निपट बिकल नर नायकु देखि थोरी बात पितहि दुख भारी होती प्रतीति न मोहि महतारी राउ धीर गुण उदधि अगाधु भामुहि ते कछु बड़ पराधु जाते मोहिन कहत कछु रावु मोरी सपथ तो ही कहु सती भाऊ